नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रगति शर्मा और आज मैं आपको सुनाने वाली हूं विचारों को सही मार्गदर्शन देने वाली कहानी। किसी वन में एक ऋषि का आश्रम था। ऋषि बहुत वृद्ध हो गए थे। अपने परलोक गमन का समय नजदीक आता देख उन्हें चिंता होने लगी कि उनके बाद आश्रम की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। इसके लिए उन्होंने अपने तीनों शिष्य संजय, राम और मोहन की परीक्षा लेने का निश्चय किया। ऋषि ने उन तीनों को बुलाकर उनसे प्रश्न किया, यदि भगवान तुम लोगों को दर्शन देकर कोई वर मांगने के लिए कहें, तो तुम क्या मांगोगे? शिष्य संजय ने कहा, गुरुदेव, मैं तो संसार की सभी विधाओं को प्राप्त करने का वर मांगूंगा। मोहन ने बोला, गुरुदेव, मैं तो ईश्वर से विपुल धन संपदा मांगूंगा। राम बोला, आचार्य श्रेष्ठ, मैं तो ईश्वर से मानव मात्र कल्याण का वर मांगूंगा। राम के उत्तर से ऋषि संतुष्ट व प्रसन्न हो गए। वे उसे हृदय से लगाकर बोले, वत्स, तू ही सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। गुरु पद पर तू ही शोभित हो सकता है, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर गुरु ने राम को आश्रम का भावी गुरु बना दिया। दोस्तों, श्रेष्ठ पुरुष वही होता है जो सबकी उन्नति की कामना करता है। इसलिए हमें अपने स्वार्थ के लिए न सोचकर हमेशा मानव मात्र के कल्याण की कामना के लिए कार्य करना चाहिए। अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।